आज हमने आलू समोसा बनाने का तरीका आपको बताना है। एक कप मैदे का ले लें, आधा चम्मच जीरे का डाल दें और अजवाइन थोड़ी सी डाल दें और नींबू का स्प्रे जायका डाल दें। उसके बाद आपने पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 3 चम्मच ऑयल क्यों डालनी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद हमने 3-4 अदद आलू लेने हैं। इसमें 1 चम्मच गरम मसाले की, 1 चम्मच चाट मसाले की, आधा चम्मच सुर्ख मिर्च की और आधा चम्मच हल्दी की डाल देनी है और आधा चम्मच धनिया का डाल देना है। नींबू का स्प्रे जायका डालना है और ग्रीन चिल्ली 2-3 अदद डाल देनी है। 2 अदद टमाटर डालने हैं, 1 अदद ओनियन डालना है। उसके बाद कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद नींबू आपने 1 अदद ऊपर डाल देना है। नींबू डाल के एक दफ़ा फिर मिक्स कर लें और मसाला आपका तैयार हो गया। डो को इस तरह छुरी से काट लेना है। उसके बाद छोटे छोटे ऐसे पीस रोल कर लेने हैं। इसको अच्छी तरह गोल कर लेना है। गोल करने के बाद हमने हल्की आंच पे तवा रखा हुआ है, उसको हल्का हल्का आपने सेक दे देना है ताकि इसमें से जो नमी है वो ड्राई हो जाए, थोड़ी सी नमी। उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके सेंटर में से काट लेना है। एक एक करके सबको काट लेना है। हल्का हल्का बॉटम में पानी लगा लेना है ताकि अच्छी तरह ये जुड़ जाए, मसाला बाहर ना निकले, ताकि इसको ऐसे जोड़ना है। ऊपर हल्का हल्का पानी लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर देना है। उसके बाद हमने ऑयल रखा हुआ है, ऑयल में ये डाल देंगे।
ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, क्यों ये हल्के ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद आप इनको निकाल लें। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। अब इनको अंदर से देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट्स में बताना नीचे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत शुक्रिया।